हाई एवरी वन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन टू माई चैनल। काफ़ी टाइम बाद मैं कोई हॉल वीडियो लेकर आ रही हूँ। काफ़ी टाइम से कोई शॉपिंग करना नहीं हुआ, कुछ ऐसा नहीं हुआ कि मैं अपने लिए कुछ शॉपिंग कर रही हूँ। तो अभी आगे आने वाले हैं फेस्टिवल सीजन्स और मैं हमेशा ही एथनिक वेयर कुछ ना कुछ लेती हूँ, जैसे कि सूट सेट हो गए, कुर्ती होगी। बट ये वाला हॉल अलग है, ये है मिंत्रा हॉल, जिसमें कि एथनिक से हटकर कुछ है, कुछ टॉप्स हैं, कुछ कॉर्ड सेट्स हैं, तो वही सब मिक्सअप है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, इन सब का जो भी डिटेल्स है वो मैं आपको हाथों हाथ बताती रहूँगी, साथ ही मैं इसको ट्राई करके भी दिखाऊँगी और इसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले है ये ब्लैक कलर का शॉर्ट टॉप, क्रॉप टॉप विद शॉर्ट स्लीव्स। ब्लैक है, 100% कॉटन है, जर्सी टॉप में आता है, कॉटन जर्सी टॉप इसे कहते हैं। और ये है H&M का। और इसका सबसे बेस्ट पार्ट है इसकी नेकलाइन, ये थोड़ा सा डीप नेकलाइन है, ऐसे टी शर्ट टाइप ऊपर को नहीं रहेगा, हल्का सा नीचे रहेगा, जैसे कि आपके सूट्स वगैरह में रहता है। तो वो मैं देख रही थी काफ़ी टाइम से, ऐसे तो बहुत सारे ब्लैक टॉप मिल जाएंगे ना, बट उसमें सबके नेक ऊपर है, तो मुझे ऊपर वाला नेक नहीं चाहिए था, मुझे ऐसा नेक चाहिए था। इस टॉप को आप प्लेन अपना जीन्स ट्राउजर्स के साथ पहन सकते हो, वरना इसको बाहर से, अब जैसे हल्की हल्की ठंडी आ जाएगी तो बाहर से कुछ ब्लेजर टाइप पहन लिया विद फ्रंट ओपन, तो उसमें भी ये बहुत स्मार्ट लगेगा। इसको लेने का मेरा एक रीज़न है क्योंकि मैं इसको साड़ी के साथ पहनने वाली हूँ। काफ़ी बार ऐसे ओकेजन्स आते हैं कि घर पे ही होते हैं, कुछ सेलिब्रेशन नहीं होता, पर मैं सोचती हूँ कि मैं साड़ी पहन लूँ, पर साड़ी पहनना बस मुझे एक आफत लगता है कि उसके जो ब्लाउज़ होते हैं वो कम्फर्टेबल नहीं लगते दिन भर के लिए। तो ये ऐसा स्ट्रेचेबल कॉटन टॉप है, तो क्योंकि हमें जब आदत नहीं होती है ना, स्पेशली आजकल के टाइम में हम सबको कंफर्टेबल कपड़े, ये स्ट्रेचेबल कपड़े पहनने का आदत है, जिसमें कि जो कि स्ट्रेच हो सके हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग, तो इस वजह से मैंने ये लिया है। ताकि किसी भी साड़ी के साथ, ब्लैक तो वैसे भी बेसिक है, किसी भी साड़ी के साथ ये मैं से पहन कर घर में पूरा दिन में से साड़ी पहन सकती हूँ, तो साड़ी के साथ के लिए भी ये अच्छा जाएगा। एंड देन ऑब्वियसली ट्राउजर्स, जीन्स वगैरह जैसे मैंने कहा, उसके साथ तो ये जाएगा ही। इसका प्राइस भी काफ़ी रीजनेबल है, तो ये तो मैं डेफिनेटली अपने पास रखने वाली हूँ। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा ये बहुत ही प्रिटी सा स्कर्ट। ये है ब्लैक एंड मैरून कलमकारी, ब्लॉक प्रिंट इसमें है, कलमकारी इसमें पैटर्न इसमें दिया गया है, 100% कॉटन है, पूरा कॉटन का ये स्कर्ट है। इतने पोर्शन के बाद यहाँ पर इसमें इस तरीके से गैदरिंग दी हुई है, चुनट दिए हुए हैं। फ्रंट में इसमें प्लेन कपड़ा है एंड देन हाफ में इसमें इलास्टिक है, तो काफ़ी कम्फर्टेबल है ये भी। देन प्राइस वाइज भी ये काफ़ी अफोर्डेबल है। लेंथ इसकी फुल है, मैक्सी लेंथ है। एंड सबसे प्रिटी पार्ट जो इसका है वो है स्कर्ट में ये साइड स्लिट, ये। सो ये आपका नी तक, शायद ये अराउंड नी, हाँ नी तक ये आपका स्लिट आएगा एक साइड में, तो ये बहुत ही ज़्यादा कूल बनाता है इस ड्रेस को। ये पूरा आपका ट्रेडिशनल वेयर भी नहीं कहेंगे कि भाई पूरा स्कर्ट है, ट्रेडिशनल वेयर में आता है। इसके साथ जो मैंने अभी आपको ब्लैक टॉप दिखाया वो बहुत अच्छा जाएगा और काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। आप इसे किसी ओकेजन में भी पहन सकते हैं, अभी डांडिया आएगा आप उसमें भी इसे पहन सकते हैं विद लॉट्स ऑफ सिल्वर ज्वेलरीज। और इसको आप नॉर्मली अपना मॉल जा रहे हैं, शॉपिंग जा रहे हैं, या फिर घर में शाम में पूजा है, जैसे दिवाली आने वाली आगे, तो उसमें भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। देन एक और बेस्ट पार्ट स्कर्ट में, इसमें दिए हुए हैं पॉकेट, काफ़ी गहरे पॉकेट हैं और दोनों साइड में दिए हुए हैं। सो ये है स्कर्ट। देन इसका कलर भी मुझे बहुत सुंदर लगा, ब्लैक एंड मैरून। मैं यूजुअली स्कर्ट नहीं खरीदती हूँ, ये बस मुझे स्क्रॉल करते करते दिख गया और मुझे कुछ पसंद भी आ गया और थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा बाकी स्कर्ट्स के कंपैरिजन। देन इसमें आप ब्लू भी टॉप पहन सकते हैं, क्रॉप टॉप पहन सकते हैं, रेड मैरून कलर का पहन सकते हैं, ब्लैक कलर का पहन सकते हैं, स्लीवलेस पहन सकते हैं, फुल स्लीव्स भी पहन सकते हैं, सब कुछ इसमें बहुत अच्छा लगेगा। तो अगेन इसको भी मैं रखने वाली हूँ अपने पास। देन हमारा थर्ड आइटम है ये, अगेन ब्लैक क्रॉप टॉप, बट डिफरेंस है ये स्लीवलेस है और थोड़ा सा उससे भी शॉर्ट है। देन इसका फैब्रिक इस तरीके से है,
निटेड फॉर्म में है, स्ट्रेचेबल है, स्लीवलेस है, स्क्वायर नेक है फ्रंट से भी और बैक से भी। कॉटन फैब्रिक में ये आता है और मशीन वॉश है, आप इसे मशीन में भी वॉश कर सकते हैं। अगेन इसका रीज़न भी वही है, साड़ी साड़ी के लिए लिया है, हर बार स्लीवलेस पहनना भी मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए वो वाला स्लीव्स वाला टॉप है। एंड देन एक ये वाला भी, और वैसे भी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है साड़ी को एक एक यू नो बीच का लुक देने के लिए, कि पूरा ट्रेडिशनल भी नहीं है, आप साड़ी पहन रहे हो और उसके साथ आप टॉप पहन रहे हो, टॉप अगेन कंफर्टेबल है और मिक्स एंड मैच हो जाता है सबके साथ, तो इसलिए इसको मैंने ब्लैक कलर में लिया है। वैसे मैंने इसको ब्लैक ट्राउज़र और ब्लैक ब्लेजर के साथ पेयर अप करा था और ये बहुत बहुत प्रिटी लग रहा था, बहुत अच्छा निकल के आ रहा था पूरा वो ब्लैक आउटफिट। देन प्राइस इज़ ऑल्सो अफोर्डेबल, और ये ब्लैक ना कहीं नहीं जाता है, कभी ख़राब नहीं होता है, हमेशा काम आएगा ही आएगा हर चीज़ में। देन अगेन जो मैंने अभी आपको स्कर्ट दिखाया, तो स्कर्ट के साथ भी ये काफ़ी प्रिटी जाएगा, एंड अंदर इसको आप पहनकर बाहर से ब्लेजर पहन लो या फिर कुछ यू नो लूज सा कोई स्वेटर टाइप पहन लो, अभी जो ये बीच का मौसम है उसके लिए ये काफ़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। देन अगेन इसका भी प्राइस काफ़ी अफोर्डेबल है। देन नेक्स्ट आइटम कुछ ऐसा है जो कि मैंने अभी तक ट्राई नहीं करा है, और वो है बहुत ही प्रिटी सा ये रेड कलर का प्रिंटेड फ्लोरल प्रिंट में कॉर्ड सेट। इस कॉर्ड सेट में सबसे पहले तो है ये एक शर्ट जिसमें कि इस तरीके से नेकलाइन है, कॉलर नेक है, देन इसमें कुछ बटन्स हैं यहाँ पर फ्रंट में, एंड देन ये फुल स्लीव्स है, फुल स्लीव्स में भी फ्रंट में इस तरीके से बटन दिए हुए हैं, और यहाँ से यानी कि यहाँ से शोल्डर से इसमें इस तरीके की स्टिचिंग है, हल्का हल्का सा चुनट वाले हैं, गैदरिंग यहाँ पर है। फिटिंग इसका परफेक्ट है, बहुत सुंदर इसका प्रिंट है, कलर वाइज भी पूरा रेड कलर भी नहीं है, मेहरून भी नहीं है और पिंक भी नहीं है, पता नहीं कुछ बीच का सा कुछ कलर है, बट जो भी है बहुत बहुत सुंदर है, और इस रेड के ऊपर ये प्रिंट बहुत सुंदर खिल के आ रहा है। साथ ही इसमें साइड्स में हल्का सा ये स्लिट दिए हुए हैं, जैसे हमारे सूट्स में होता है उस तरीके के दोनों साइड में ये स्लिट दिया हुआ है। मटेरियल में ये सिल्क ब्लेंड में आता है, ये कॉटन भी नहीं है, शायद कॉटन होता तो एकदम से क्रश हो जाता, और फेस्टिवल्स के लिए तो बहुत बहुत ही अच्छा ऑप्शन है स्पेशली इस कलर को देखते हुए। देन इसी के साथ है ये इसका पैंट, बॉटम से बहुत टाइट नहीं है, स्ट्रेट पैंट टाइप है, देन फ्रंट में प्लेन कपड़ा है और बैक साइड में इसमें इलास्टिक है, और इसमें ये स्ट्रिंग भी दे रखे हैं इनकेस आपको टाई करना हो तो। इसका फिटिंग भी काफ़ी अच्छा आया है और फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि कॉटन तो है नहीं तो इसमें श्रिंक भी नहीं होना है, तो बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आई है। प्राइस वाइज मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है कि कैसा है, बट आई थिंक कि हाँ शायद ठीक पड़ा है, एंड वैसे भी मेरा फर्स्ट कॉर्ड सेट है, तो देखते हैं ये कैसा निकलेगा और उसी के हिसाब से मैं आगे भी ऑर्डर करूँगी। तो जितना शौक़ मुझे दिन में रेडी होने का है उतना ही मैं ध्यान रात में भी रखती हूँ कि ऐसे ही नहीं कोई भी टी शर्ट और बॉटम उठा के पहन लिया, मुझे नाइट सूट्स का बहुत शौक है और इसीलिए इस बार एक मैंने नाइट सूट लिया है। नाइट सूट नहीं कहेंगे इसे, भी कॉर्ड सेट टाइप बोलेंगे, क्योंकि सिर्फ नाइट सूट नहीं है, इसे बाहर भी पहन के जा सकते हैं, आजकल ये बहुत ही ट्रेंड में है, क्लासी है। तो ये है अपर, अपर मैंने इसका शॉर्ट लिया है क्योंकि बाकी मैंने बताया जो मेरे नाइट सूट्स हैं वो नॉर्मल लेंथ के होते हैं, इसको मैंने थोड़ा सा क्रॉप टॉप स्टाइल में लिया है। फैब्रिक इसका प्योर कॉटन ही कहा जाता है, प्योर कॉटन में है ये। देन स्लीव्स इसकी पूरी फुल स्लीव्स हैं, एंड फैब्रिक बहुत बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, मैं भी आपको बता रही हूँ ना, तो मैं ये चीज़ रियलाइज़ कर रही हूँ कि बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है। देन वी नेक में आता है, साइड में हल्का सा स्ट्रेट एंड देन वी, ऐसे नेक में ये है, और फ्रंट में इसके बटन्स हैं जो कि ओपन हो सकते हैं। ये है इसके साथ का प्लाजो, इसमें भी काफ़ी अच्छा ब्रॉड इलास्टिक लगा है, काफ़ी अच्छा इसका स्ट्रेंथ है वेस्ट का, और इस तरीके से ये लूज़ हो जाता है नीचे जाते जाते, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे क्रॉप टॉप विद प्लाजो, और इसे पहनकर इतना रिलैक्स और कम्फर्टेबल फील आएगा
कि आप इसे रात में तो पहन ही सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप चाहें तो इसको स्नीकर्स के साथ, शूज़ के साथ आप एयरपोर्ट में मार्केट जाने के लिए वैसे ही पहन सकते हैं, कोई ये नहीं बोलेगा हाँ नाइट सूट पहन लिया, क्योंकि इसको नाइट सूट नहीं, इसे बेसिकली एक कॉट सेट ही कहा जाएगा। तो ये आप घर में सोने के लिए भी पहन सकते हैं, आप इसे बाहर के लिए भी पहन सकते हैं, कहीं आपको रेडी नहीं होना है, बहुत कैजुअल से रेडी होकर जाना है तो उसमें भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। प्राइस वाइज ये मुझे ठीक लगा, बहुत महंगा भी नहीं है, बट हाँ पेयर है तो पेयर के अकॉर्डिंग प्राइस वाइज ये अफोर्डेबल है। तो ये सारी बात तो हुई कपड़ों की, इसके अलावा कुछ और भी चाहिए होता है लड़कियों को कहीं भी अगर बाहर निकलना हो, और वो है हैंडबैग, और छोटा मोटा हैंडबैग नहीं, एक्चुअली बड़ा हैंडबैग। तो मुझे आजकल हैंडबैग्स की ज़रूरत है, एंड मैंने रियलाइज़ करा कि मैं हमेशा छोटे बैग लेकर आ जाती हूँ, पर जब कहीं थोड़ा सा पूरा दिन भर बाहर रहना है, आपको वाटर बॉटल भी डालनी है, आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा सामान भी रखना है, वेट वाइप रखना है, एंड बच्चे के साथ भी हैं तो उसमें भी एक दो चीज़ें और ऐड हो जाती है, तो इसलिए मुझे एक बड़ा बैग लेना था। और नॉर्मली अगर किसी ब्रांड का मैं बैग लेने जाती हूँ मॉल से तो 1500 के आसपास तक का वो पड़ता है, तो बड़ा बैग लेने का मतलब कि 3000 तक तो जाएगा। तो इसीलिए मुझे ये बहुत बहुत अच्छी डील मिली है मिंत्रा पे, काफ़ी अच्छा ऑफर में निकल गया ये वाला बैग। तो ये है ज्योमेट्रिक प्रिंटेड स्ट्रक्चर्ड टोट बैग, और इसके साथ आता है ये एक पाउच, एंड इसमें साथ में स्लिंग भी लगा हुआ है, तो आप इसे इसमें रख सकते हैं बैग में, आपको ये कहीं एक जगह रखना है, छोटा सा कुछ लेकर जाना है तो ये आप हमेशा ले जा सकते हैं, ये भी एक तरीके से बैग ही है। सो इस तरीके का ये प्रिंट है, ब्लैक एंड ऑफ वाइट में, देन इसमें चेन दिया हुआ है, और ये जो इसके हैंडल्स हैं ये है ब्राउन कलर में। सबसे ज़्यादा इस चीज़ को अच्छा बनाता है ये जो डिज़ाइन है दोनों तरफ, हल्का सा चेन और लेदर वाला जो पैटर्न है ये बहुत सुंदर लग रहा है। ऐसे बैग मैंने और भी देखे थे मिंत्रा पे, बट उसमें दिक्कत ये है कि उसमें चेन नहीं है, वो जो सीधा ऐसे हैं और खुले हैं, वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है वैसे खुले बैग। थोड़ा सा ये रहता है अगर चेन नहीं होती बैग में कि अगर टेढ़ा हो गया तो सामान बाहर ना गिर जाए, वो मुझे पसंद नहीं है। खैर इसमें तो हमें प्रॉपर चेन मिली है ये, और इसके बाद इसमें अंदर काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है, आप देख रहे हो साइड से कितना ज़्यादा ब्रॉड है, तो इसमें आराम से आपका काफ़ी सामान आ जाएगा, आप इसका टिफ़िन, पानी की बॉटल, ये सब कुछ भी आ जाएगी, थर्मस आ जाएगा। एक ही छोटी जेब है बस यहाँ पर, और बाकी अंदर पूरा स्पेस खाली है, कोई पार्टीशन नहीं है इसमें। और इसके अलावा एक ये बाहर की चेन मिली है, फ्रंट प्लेन है, कोई इसमें लेबल नहीं है, कुछ नहीं है, दोनों साइड से ही सेम दिखता है, तो वैसा उल्टे सीधे वाला चक्कर नहीं फंसेगा इसमें। और इसका साइज़ है 37x28x15 cm। देन ये इसका जो मटेरियल है, फैब्रिक है, कपड़ा है, और ये वाटर रेजिस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि कपड़ा तो वाटर रेजिस्टेंट नहीं है, ऐसा लेदर वाला फिनिश नहीं है, तो ये वाला बैग तो बहुत बहुत अच्छा है। दूसरा ये वाला बैग लेने का रीज़न, ये मैंने लिंक मांगा था अपनी दीदी से, मेरी दीदी वाला बैग यूज़ कर रही है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि हम जब भी मार्केट जाते हैं तो दीदी का थर्मस और बाकी सामान एक्स्ट्रा बड़ा बड़ा सारा सामान इसमें आ जाता है, तो इसलिए मुझे लगा कि नहीं एक ऐसा बैग होना ज़रूरी है। और दूसरा बड़े जो टोट बैग होते हैं वो यूजुअली थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी शेप वाले भी होते हैं, बट इसका ये हार्ड है ये चीज़ ना, आपका बैग लटकेगा नहीं, मुड़ेगा नहीं, स्ट्रेट रहेगा, तो स्ट्रेट के चक्कर से मैंने इस वाले बैग को लिया है। एंड प्राइस वाइज इसमें अभी रिसेंट सेल पे प्राइस इसका काफ़ी अच्छा गिर गया है, तो ये भी एक रीज़न है अभी इसको लेने का। और अब है इस हॉल की लास्ट चीज़, और लास्ट चीज़ का मतलब है कि मेरा कोई भी शॉपिंग ना ज्वेलरी के बिना नहीं पूरा होता है, तो ज्वेलरी का तो मुझे एक आइटम लेना ही लेना है, मुझे आर्टिफिशियल ज्वेलरीज बहुत पसंद है, तो इस वक्त मैंने लिया है एक ये वाला पीस, ये है यहाँ से पेंच खुलेगा,
और तब ये पहनने वाला है, इसको ऐसे करके नहीं पहनना है, तो ये सबके हाथ में आराम से आ जाएगा। ये है सिल्वर टोन सिल्वर प्लेटेड ऑक्सीडाइज्ड बैंगल और इसका जो डायमीटर है वो 5.5 सेंटीमीटर्स है। इस तरीके से ये हाथ में मेरे फिट आ गया है और बहुत सुंदर डिज़ाइन है इसका ना। इसमें बेसिकली किसी की विदाई वाला सीन है, देन ब्लैक सिल्वर टाइप की इसकी फिनिशिंग है, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। इसमें ना पूरा एक विदाई वाला सीन बना है, आगे पीछे दो एलिफेंट हैं, बहुत सुंदर से इसमें फिनिशिंग दे रखी है इसकी, और बीच में एक डोली है जिसको कि दो लोग लेकर जा रहे हैं और उस डोली में एक लड़की बैठी है, आगे पीछे से दोनों तरफ से यही फिनिशिंग है इसकी और ये बहुत बहुत प्रिटी है। एंड ऑफ कोर्स ये फेस्टिवल्स में मेरे को काफ़ी काम आने वाला है क्योंकि सिर्फ एक बैंगल अगर आप इसे पहन लो तो उसके बाद कुछ और लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड वेट वाइज भी इसका अच्छा खासा वेट है, बहुत ऐसा हल्का फुल्का टाइप का मटेरियल नहीं है एंड फिनिशिंग भी देख कर टच कर कर पता चल रहा है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सो गाइज इतना ही था मेरे आज के मिंत्रा हॉल के लिए। आई होप आपको मेरा ये हॉल वीडियो पसंद आया होगा। ये जो सामान मैंने लिया है ये मेरी नीड के अकॉर्डिंग था, पर हाँ शायद अगर आपको इससे कुछ आइडियाज़ मिल पाए तो आप भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मिंत्रा में सेल चल रहा है तो क्यों ना इस सेल का यूज़ करा जाए। सो इतना ही था आज के वीडियोस के लिए गाइस। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। लिंक्स मैं आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी और अगर कुछ और भी कोई डाउट है कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर लिख सकते हैं। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।